अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुख के सारे रंग ए प्लस के संग। कैसी हैं मेरी बहनें, कैसे हैं मेरे सारे भाई और कैसे हैं पूरा पाकिस्तान, ये तो आप मुझे बताएंगे। मगर आज मैं आपको ये बताती हूँ कि बात ये है कि जनरेशन टू जनरेशन एक गैप भी आ गया है और एक तब्दीली भी आ गई हुई है कि अब हम लोग ज़्यादा सोचते हैं बिहेवियर चेंज के बारे में, लोगों के एटीट्यूड के बारे में, रवैयों के बारे में। हमारे अंदर इमोशंस और एहसास जो है ना, अब वो डोमिनेट करते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं मगर समटाइम्स हम उसको कहते हैं ना, दरगुजर कर देते हैं, समटाइम्स हम उनको दिल पे ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कुछ दिनों पहले। हम बात करेंगे अपनी सेलिब्रिटी की, हम बात करेंगे अपनी ड्रामा इंडस्ट्री की, ड्रामा फ्रेटर्निटी की, जिनका बहुत बड़ा नाम समी खान साहब एक शो में बैठे हुए थे और मैं कैजुअली कहते ना कि कैजुअली टीवी ऑन करके देख रही थी, वो शो लगा और उसके क्लिप्स भी बाद में देखा कि बहुत वायरल हुए हैं। शो ये था कि वो माशाल्लाह फहद मुस्तफ़ा साहब उनको होस्ट कर रहे थे। बड़ा अच्छा होस्ट करते हैं, इज़ अ ग्रेट होस्ट, वी हैव हाई यू नो रिगार्ड्स फॉर हिम। उनके साथ कुछ कॉमेडियंस थे जो कि भी माशाल्लाह हमेशा से ही हमें नज़र आते हैं, टीवी स्क्रीन्स का हिस्सा है, टीवी स्क्रीन में बहुत बड़े नाम है। पिक्चर चल रही है हमारी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो आप जब अपने सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हो, अपने प्लेटफॉर्म पे उनको इज़्ज़त देते हो, आप उनसे कुछ ऐसी बातें कर जाते हो जो कि वाकई कहते ना, क्योंकि थोड़ा सा दिल आज़ारी हो जाती है, जिससे हमें ये लगता है हमें ये चाहिए। मैं वो बाद में बताऊंगी कि हमें क्या चाहिए, मगर बात ये थी कि कॉमेडियंस का ये कहना था, जिसको फहद मुस्तफ़ा साहब ने ना सेकंड किया, ना इसकी कोई फेवर में बोले, ना इसकी कोई नेगेटिविटी में बोले, बट बिल्कुल चुप रहे। उनका ये कहना था कि समी खान साहब को फिल्म में एज अ रोल मॉडल, एज अ हीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जब भी हीरो आते हैं वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। अच्छा, ये बात कहने का अंदाज़ बहुत थोड़ा सा कहते हैं ना कि टॉन्टेड था। और उसके बाद उन्होंने कहा, अगर आपने रोल करना है तो आप भाई का रोल करें, आप हीरो के दोस्त का रोल करें, आप हीरोइन की यू नो किसी रिश्तेदार का रोल करें, या हीरो के भाई का रोल कर लें, हीरोइन के भाई का रोल कर लें, साइड रोल्स करें। आपको कोई जवाज़ नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है या कोई भी स्किल नहीं है कि आप हीरो लगें। जिस पे उन्होंने बड़ा एक उनके मिक्स्ड रिएक्शन से, एंड हाई सलूट फॉर समी खान हु हैंडल इट वेरी नाइसली। ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव एंड ही वॉज़ लाइक हैविंग अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड पुटिंग अ यू नो थोड़ी सी कि यू नो आई हैव वर्कड बट स्टिल योर ओपिनियन इज़ अप्रिशिएटेड। इट्स बट इसके साथ ही जो कि ड्रामा इंडस्ट्री में जितनी भी ड्रामा फ्रेटर्निटी थी, हमारे सेलिब्रिटीज़ थे, वहाँ गॉसिप शुरू हो गई, वहाँ से रिएक्शंस आना शुरू हो गए कि किसी का हक नहीं बनता कि आप पर्सनली किसी पे टॉन्ट करें। जैसे कि हमने कल हमारा शो था कभी खास आपके ऊपर, हमने उनको ट्रिब्यूट दिया था। अगर हम बात करें इतने बड़े लेजेंड की, इतने बड़े पाकिस्तान के नाम की, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की, जिनकी एक्टिंग स्किल्स पे कोई भी कहते ना कोई एक हमें कोई वो नहीं है कि कोई मिसाल नहीं है, उन जैसा कोई नहीं था। और कितनी मूवीज़ जो हैं कभी खान साहब ने की, मगर उनमें से काफ़ी जो मूवीज़ हैं वो नहीं चल पाई, फ्लॉप हो गई। तो इसका मतलब है कि वो एक्टिंग स्किल्स छोड़ देते, वो अपना विजन छोड़ देते, वो काम छोड़ देते, वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को एक डिफरेंट डगर पे ले जाते। नहीं, एक एक्टर है, एक एक्टर का काम है भाई, उसकी उसने प्रोपोगंडा कर लेना है और उसका पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक उसका पार्ट ऑफ हिस्सा है। तो ये चीज़ें जो हैं व्यूज, ये मैटर करती हैं। हम लोग वैसे ही एज ए नेशन थोड़े से डिप्रेसिव हैं और हमें फीडबैक मैटर करता है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं होती, बात होती है एक इमोशंस को टारगेट करने की। आपने किसी के इमोशंस को हर्ट किया, आपने किसी के मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किया, ये हमारी एज ए इंडिविजुअल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो एक आम शख्स हो, चाहे हमारी एक फैमिली रिलेटिव हो। रिएक्शन आता है, अगर आप कोई बात फ्लो करते हो तो उसका रिएक्शन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज़ जो है वो
रिएक्शन के बगैर ही आप अपना एक्सप्रेशन जो है वो कन्वे कर दो। रिएक्शन होगा तो एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन होगा तो रिएक्शन आएगा। ये कहते ना कि यूनिवर्सल चीज़ है और उसमें कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात ये है, एक और बात कि जैसे हमारी एक और सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, बहुत डिफरेंट रोल्स करती हैं, उनका नाम है अज़ीका डैनियल एंड वो भी एक शो से वॉकआउट कर गई, उनको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम थी। सेलिब्रिटी का एक अपना एक ऑरा होता है, एक पहचान होती है, वो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की पहचान, एक सॉफ्ट इमेज लेके वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में। तो हमारा बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ होस्ट, बीइंग अ प्रेजेंटर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बात कन्वे करें मगर किसी की दिल आज़ारी ना करें। तो व्यूज़, आज छोटी सी मुझे लगा कि ये एक मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ होस्ट कि मैं इस बात को शेयर करूं। और बाकी जो लोग एक ट्रोलिंग का हिस्सा बन जाते हैं और एक ट्रेंड में आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे और बहुत से फोरम्स पे, उनकी ज़िंदगियाँ वाकई बदल जाती हैं। कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइव्स। मेंटल पीस होगा, हम काम अच्छा करेंगे, हम दिखेंगे अच्छे, हमारी पर्सनालिटी ग्रूम करेगी हमें दुनिया से, कहते हैं ना, हम बेखबर होके काम करेंगे हम। तो वही वाली बात है कि जो अज़ीका डैनियल के बारे में बात करी थी कि अभी उनकी पिक्चर भी ये हमने चला दी है, ये हैं अज़ीका डैनियल साहिबा, शी हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज और खूबसूरत दिखती हैं और बहुत अपने ना काम में माशाल्लाह बहुत, आई हैव सीन हर रोल्स, वेरी ग्रिप्ड ऑन हर परफॉर्मेंस, शी इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड एक्टर, शी हैज़ अ ग्रिप्ड ऑन हर वर्क। तो ये है कि इस तरह वॉकआउट करना या अच्छा, रिसेंटली एक और शो के बारे में मैं प्लीज़ बात करूँगी, मैं अपने प्रोड्यूसर से इजाज़त ले रही हूँ, सर मैं कर सकती हूँ ये बात, थोड़ा सा आज चाह रही हूँ कि मैं बात करूँ। एक और शो मैंने देखा, उसमें एक हमारी एक होस्ट ने थोड़ा सा ट्रिगर किया चीज़ों को, सिचुएशन को, और एक एक्टर ने ये कहा कि मैं अलीज़े शाह को अंडा दे रही हूँ। आई डोंट रेट हर एज एन एक्ट्रेस, आई डोंट रेट हर एज अ परफॉर्मर। देखिए, हम लोग जो हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एक जर्नलिस्ट हैं, हमने पाकिस्तान के, हम प्रेजेंटर्स हैं, हम पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो उसमें रुबीना अशरफ साहिबा ने ये बात कही कि मैं अलीज़े शाह को बिल्कुल ज़ीरो एक्ट्रेस कहती हूँ, ऑल्दो अलीज़े शाह के उसके ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर हमें कोई शक नहीं है, शी हैज़ वर्कड अलॉट, उनका प्रोग्राम्स, उनका बात करने का स्टाइल और उनका ड्रामा, शी इज़ अ लेजेंड, ऑल्दो शी इज़ अ यंग आर्टिस्ट, बट वी नीड टू वेलकम आर एमेच्योर आर्टिस्ट, वाई नॉट। हम लोग नहीं वेलकम करेंगे, हम लोग टांग खींचेंगे या अपनी पर्सनल ग्रज की बिना पर हम एज अ उनको सोशली डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो इट्स नॉट ऑन। टू बी ऑनेस्ट, वी शुड रिस्पेक्ट आर यू नो सबऑर्डिनेट्स, वी शुड रिस्पेक्ट आर को एक्टर्स, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। तो मुझे ये लगा कि आज ये बात करनी चाहिए, थोड़े से कहते ना कि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे एक्टर्स हमारा हिस्सा हैं, हमारी पहचान है, हर एक्टर बहुत अच्छा काम करता है, किसी का इख्तलाफ है तो उसको एक्टिंग के अलावा कोई पर्सनल ग्रज है वो कमरे से बाहर करे, बट स्क्रीन के ऊपर आके इस तरह की बात करना, किसी की दिल आज़ारी करना और किसी के रिस्पेक्ट पे या काम के ऊपर अपग्रेड कर दें, हु आर यू, यू आर सीजनड एक्टर, यू आर प्राउड पाकिस्तानी, यू आर, यू हैव अ बिग नेम, बट यू हैव नो राइट टू डू दैट। सो आई थिंक ये एक पर्सनल, एक मेरा था, एक ओपिनियन भी कह सकती हूँ, मुझे जो लगा, मे बी मैं गलत हूँ यहाँ सही हूँ, इसका फ़ैसला तो मैं हमेशा अपनी ऑडियंस पे छोड़ती हूँ, आपका फीडबैक जो है हमेशा से मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। व्यूअर्स, आज का शो हम थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा हल्ला गुला करें, थोड़ी सी डिप्रेशन था सुबह तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया, मगर प्रोग्राम में होगा हंगामा और इस हंगामे के साथ आप लोगों ने भी खूब हमारे साथ हल्ला गुला करने आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस, गुड मॉर्निंग थनक।
अमेजिंग 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 भांगड़ा, थैंक यू वेरी। कहते हैं ना कि सुबह आपकी रौनक दुबाला हो गई आपसे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। नसीम ख्वाजा फ्रॉम इस्लामाबाद ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे लिए ज्वाइन किया कि हमारा मेला सजाया है आज। थैंक यू वेरी मच। मजा आया आपका, पता लगा मुझे लग रहा था कि शादी है। मैं बहुत बड़े यू नो मैं वहाँ बैठ के भंगड़ा डाल रही थी। ऐसे ही है, माहौल बनाना पड़ता है आपको। आर्टिस्ट जो है वो अपना माहौल खुद बनाता है। बहुत अच्छा। कैसे क्या कह रहे हैं आजकल आप? म्यूजिक हो रहा है। बिल्कुल म्यूजिक कर रहे हैं जी। तो कोई एल्बम लॉन्च की है? जी एल्बम मेरी लॉन्च हुई अभी। मेरे 10 गानों की एल्बम थी, इसमें 7-8 गाने जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं, 2-3 रहते हैं, जिसका ये भी गाना था छल्ला। छल्ला जी। अच्छा, पंजाबी भंगड़ा मैं गाता हूँ। छल्ला जो है ना ये बड़ा एक कहते हैं सॉन्ग्स के अंदर एक बड़ी डिपिक्शन है छल्ला। डेफिनेटली। और ये छल्ला जो है ये मैंने देखा काफी आर्टिस्ट ने अपने प्लेलिस्ट का हिस्सा बनाया है, गाया भी है। जो ये चीजें होती हैं जैसे छल्ला होता है, मुंदरी होती है, नथली होती है, ये चीजें यूज करके पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से हो रही हैं। आपने बहुत अच्छा दिया है, वेरी यू नो फॉर अस इज वेरी एंटरटेनिंग। माय प्लेजर, थैंक यू। और बताएं जिंदगानी कैसे गुजरी है नसीम साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। और जो है वो मैं भी, मेरा एल्बम जो रिलीज हुआ है उसके अंदर मेरे जो भंगड़ा आइटम थे वो बहुत पसंद किए पाकिस्तान के अंदर लोगों ने। मैंने थोड़े से मुख्तलिफ करके काम करने की कोशिश की है, तो जो मेरे गानों के अंदर मैंने खुद परफॉर्म भी किया है, और जितनी भी सेलिब्रिटीज़ लोग थे, मैंने खुशबू खान के साथ काम किया, मैंने जी अली के साथ काम किया, और ज़ारा शेख के साथ मैंने मेरी वीडियोज़ आई हैं। तो पाकिस्तान की काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ मेरी वीडियो। जो वीडियो उसमें आपने किस मॉडल और किस एक्ट्रेस को लिया? अभी जो थी जी अली को लिया था मैंने, और खुशबू जी को लिया मैंने, ज़ारा को लिया है, माही शाही को लिया है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ मैंने काम किया है, अपनी वीडियोज़ में लिया है। नसीम ख्वाजा साहब आपकी जो वार्डरोब है हमने देखा हमेशा से बड़ी कलर्स में जाती है, बड़ी कलरफुल रहती है, और आज भी माशाल्लाह आप कहते हैं ना कि स्प्रिंग का एक आप वो कर रहे हैं, पूरा इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया है, तो वार्डरोब के ऊपर कोई कोई क्या है आपका, कोई कलर्स का शौक है या वैसे ही आपका दिल चाहता है आप कलर्स पहने? आर्टिस्ट देखें, आर्टिस्ट तो वैसे एक बहुत यूनिक चीज़ होती है, लेकिन वो वार्डरोब को ना बड़ा तरीके से यूज़ करता है कि कौन सी जगह पे कौन सा वार्डरोब यूज़ होना चाहिए। इसके साथ उसकी अपनी पर्सनैलिटी भी जो है वो बड़ी एनहेंस करती है। तो देखना पड़ता है। आज नहीं भाई ने बताया था ज़रा मज़े मज़े के भंगड़े हैं, तो मैंने कहा ज़रा ये वाला स्टाइल अच्छा है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर माय प्लेजर। और कोई टूर्स वगैरह आपके हैं या कहीं जा रहे हैं या करके आए हैं? भाई मैंने प्लान है वो बताएं। यूके का टूर मैं करके आया हूँ। अच्छा, तो परफॉर्म किया वहाँ के सब जगह पे? शोज थे हमारे, मैं था, इंडिया से काफ़ी लोग आए हुए थे, कोलेब्रेशन थी इंडिया पाकिस्तान की, और वो जो हमारे एक इंडियन आर्टिस्ट हैं मन्नत नूर जिन्होंने लॉन्ग लाची का गाना गाया, जी, 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 उनके साथ मैंने 2 गाने डुएट गाए हैं मैंने। अच्छा, नाइस। हाँ, मैंने काफ़ी इंटरनेशनली काम, मैंने चढ़ते पंजाब का भी गाने गाए हैं, अभी सुनाऊंगा आपको। ये लहंदे पंजाब का गाना था, अभी आपको चढ़ते पंजाब का भी गाना सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, आपने करे आप? जी मैंने किया, पूरा एल्बम मैंने किया है बॉलीवुड के साथ, माशाल्लाह उसके गाने भी आने वाले हैं माशाल्लाह। कभी सोचा नहीं कि फिल्म्स के लिए गाऊं या फिल्म्स के लिए काम करूं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी एक फिल्म में काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह। अच्छा, नजर आएगा। एज ए सिंगर भी मैंने काम किया उसके अंदर, एज ए एक्टर भी थोड़ा काम किया। अच्छा, आपकी मूवी आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़े खुश आइंद है, तो थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, चढ़ते पंजाब की मूवी है, पाकिस्तान से और इंडिया से जो है आर्टिस्ट आए हैं उसके अंदर, जी कोलेब्रेशन है उसके अंदर, और फिल्म का नाम है टेंशन नहीं लेनी। नहीं वो तो लेनी नहीं है ना, टेंशन नहीं लेनी। और पाकिस्तान से जो है इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, अच्छा, हनी अलबेला साहब हैं, आगा माजी साहब हैं, मैं हूँ, पप्पू सम्राट साहब हैं। अच्छा, बिग नेम। हाँ, और उधर से इंडिया से भी बड़ी अच्छी कास्ट है उनकी माशाल्लाह। अच्छा, तो ये शौक था इस फील्ड में, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैंने सुना है कि आप डिफरेंट हैं और दिस इज पैशन। मेरा माशाल्लाह लॉजिस्टिक का बिजनेस है, मैं 30 साल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे होता हूँ। अच्छा, नाइस। तो स्कूल कॉलेज में ये म्यूजिक मैंने सीखा था, लेकिन उस टाइम हालात कुछ अच्छे नहीं थे, आपको पता स्कूल कॉलेज में बड़ी स्ट्रगल होती है। जी। तो बाद में बिज़नेस किया अल्हम्दुलिल्लाह, एक लॉजिस्टिक फर्म है मेरी माशाल्लाह, हम क्लियरेंस का भी काम करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो वहाँ से फिर बिग मल्टीटास्किंग। और बड़ा अच्छा लगा नसीम ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं और पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे, इनके भंगड़ों से हम महजूज होंगे भी और आपको भी करवाएंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाए, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग थनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ख्वाजा साहब भी हमारे साथ आज किचन में हैं, उन्होंने कहा कि मेरा आज फेवरेट खाना बन रहा है, और हम ही पूछते कि उनका फेवरेट खाना कौन सा है। उन्होंने देख के तो बता दिया मेरा फेवरेट खाना है, मगर खाना कौन सा है? ये जी चिकन चाउमिन, मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, मैं भी जो बच जाता मैं भी खाता हूँ।
बच्चे बड़े शौक से, आपको पता आजकल बच्चे जो है वो इन चीजों को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल हाँ जी, तो बस हम बना रहे हैं चिकन चाउमिन, आप लोग भी अपने किचन में। माशाल्लाह नजर तो बहुत अच्छा आ रहा है, माशाल्लाह बनेगा भी बहुत अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा थोड़ा सा जल्दी से बताओ कि व्हाट। पहले मैं इसकी चीजें बता देती हूँ। चिकन आपने स्पेगेटीज लेनी है, चिकन लेना है और ऑयल चाहिए, चिकन पाउडर चाहिए, सोया सॉस चाहिए, विनीगर चाहिए, सॉल्ट, क्रश चिली और चिली सॉस। सबसे पहले हमने चाउमीन को, इसको स्पेगेटीज जो है ना इनको बॉईल करना है, तो मैं बॉईल करने के लिए मतलब आप जरा इसको देखें, आपके लिए हम स्पेशली बना रहे हैं और आपकी फरमाइश पे तो बन रहा है ये। जी मैं कहता हूँ जी, क्या बात है, जब बनेगा तो इंशाल्लाह। और आपने खा के आपने खाना भी है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं खाएंगे जी, खाना पका और ये बॉईल कर दिया, ठीक है। आप बाकी इसकी मैरिनेशन करो और कटिंग करो, वील बी कमिंग ऑन एंड ऑफ ऑन द स्टेशन। बट हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है वो इतनी वर्सेटाइल सिंगर है, I am surprised to hear that she can sing into many languages and she has sung a lot. Punjabi ho jaye, Urdu ho jaye, Saraiki ho jaye, Pashto ho jaye, Kashmiri ho jaye, aur bhi zubane kaun si hain unse poochte hain. Maryam, assalam alaikum. Ji wa alaikum assalam. Kaisi hain? Ji bilkul theek thaak. Aaj hame aap kaun si zuban mein kya sunayenge? Abhi to hum Punjabi sunayenge, Lahore ka song hai. Acha Lahore ka song hai. चलें जी, हमें बताएं और हमें सुनाएं ताकि हम भी आपके साथ जो है उसको एंटरटेन हों और लोगों को भी करें। जी जी सर।
व्यूअर्स, और वीडियो आपने देखी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना बड़ा नाम, कितनी बड़ी पहचान बख्शी जावेद सलामत साहब, और आज उनकी जो लेगेसी है, उनका जो उनके साथ, उनके साथी, उनके बाजू, इंटरनेशनल प्रोक्लेम्ड आर्टिस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लोहा मनवाया कव्वाली में, सूफी कव्वाली के अंदर और ट्रेडिशनल कव्वाली के साथ वो एक कंटेम्प्रेरी कव्वाली लेकर सामने आए, उन जैसा कोई सानी नहीं है। पूरी दुनिया का अगर नाम लें तो कौन कौन से मुल्क हैं जहां उन्होंने पाकिस्तान के अपनी पहचान नहीं बनाई, पाकिस्तान की पहचान बनाई। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म की, अगर हम बात करें पीटर गैब्रियल के वोमैड फाउंडेशन के बारे में, तो दे हैव परफॉर्म्ड, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की बात करें, और बहुत से ऐसी फेस्टिवल्स की बात करें जहाँ वो नहीं हमें नज़र आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज जिन लेजेंड्स ने हमें ज्वाइन किया है उनमें नदीम सलामत और मसूद सलामत साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ए प्लस को बहुत ही आला काम करते ही रहते हैं, लेकिन आज जावेद भाई को एक ट्रिब्यूट उनकी बरसी के सिलसिले में जो पेश कर रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच। यू आल्सो BGS, या हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गो बैक द बियॉन्ड डेज? इट्स जी बहुत ही जैसे हम आर्टिस्टों के बुजुर्ग जो हैं, जो नाम कर जाते हैं, जो सदियों से चले आ रहे थे, हमारी उस लेगेसी को आगे लेके जाने में बहुत सारे मुश्किलात और बहुत सारी लोग इर्द गिर्द बैठे होते हैं, प्रोफेशनल्स बातें करने वाले। जावेद भाई, अब्बा जी उस्ताद बख्शी सलामत साहब, जिन्होंने उस्ताद होने का भी शर्फ हासिल बहुत ज़्यादा किया, उनके शागिर्दों ने बड़े नाम किए और उनकी सर्विसेज इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा, और वो शागिर्द थे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के वालिद, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान मुबारक अली ख़ान का। तो हम लोग शागिर्द हुए उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के, माशाल्लाह। तो हमारी इस तरह से एक थर्ड जनरेशन है उनके साथ। अच्छा, वो फिर अब्बा जी की जब डेथ हुई है जी 82 में, तो जावेद साहब एक बहुत ही मौजी बंदे थे, जिनको कहा जाता था कि ये गाएगा नहीं, जो इम्पॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग जिनमें मैं बता सकता हूँ कि जब इनकी शागिर्दी की रस्म हुई है उस्ताद जावेद सलामत साहब की, तो उसमें अब्बा जी का चेलम था, उसमें उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, उस्ताद मियाँ शौकत साहब, तुफैल नियाज़ी साहब, मेहंदी हसन साहब, परवेज मेहंदी साहब, मियाँ शौकत साहब, मतलब बड़ी बुलाएँ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली साहब की शागिर्दी हुई। तो बातें यही होती रहीं कि ये गाएंगे नहीं, ये तो आवारा है, ये तो परिंदे रखने का शौक़ था उनको, जानवर रखने का शौक़ था, और वो शौक़ कमाल कमाल पूरा करते थे। बाहर दुनिया में भी फिरते थे तो मतलब परिंदों का ही मज़ा लेते थे वो, उनको ये तबीयत थी उनकी। तो जब शागिर्दी हुई है जी, तो किसी ने नहीं माना। अब मैं आज लिख रहा था फेसबुक पे, तो मैंने लिखा है कि वो अपने फ़न का बहुत गैरतमंद आदमी था। अच्छा, उन्होंने फिर वो गैरत की है कि आज से पहले भी, आज के बाद भी, प्रेजेंटली भी, उन जैसा स्टाइल कव्वाली का ना है ना होगा। कव्वाली बहुत हो रही है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और ये हमारे उस्ताद खाने ने भी कह दिया, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जानशीन उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी कहा है कि जावेद भाई का एक अपना स्टाइल था। वो फिर नाम लेके चल पड़े जी, फिर भूख भी आई और इग्नोरेंस भी आई, स्ट्रगलिंग थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर हम पढ़ते रहे साथ साथ ही। वाले साहब का ये था कि ये मेरे बच्चे जो हैं पढ़े लिखे, तो फिर अच्छी जगहों पर पढ़े, पढ़ लिख के कव्वाली को किया, और फिर ये हुआ जी कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही, जैसे उस्तादों की दुआएं होती हैं, बुजुर्गों की दुआएं होती हैं, ये दरगाहों की दुआएं होती हैं, तो फिर दुनिया ऐसे देखी हमने कि जैसे मोहल्ले देखे जाते हैं छोटे छोटे, पूरी दुनिया अल्लाह पाक ने ऐसे घुमाई है। सर बड़ा मुनफरिद मैंने देखा, बहुत एक डिफरेंट स्टाइल, स्टाइल वॉज वेरी मच डिफरेंट, मतलब जिस तरह मैं देखती हूँ कव्वाली सुनती हूँ। अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, विल टॉक अबाउट इट, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। व्यूअर्स मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग थनक।
अजना जामी अजना जामी हाय बेटे मेरे जानिया अजना जामी हाय वे दिल दिया जानिया वे मैं मिनता तेरिया पानिया अजना जामी हाय वे दिल दिया जानिया वे मैं मिनता तेरिया पानिया अजना जानिया ओ दिल दे जानिया। बहुत खूबसूरत वन ऑफ योर फेमस ट्रैक जिसे पहचान है जी, और सुना है मैंने भी, बट स्टाइल के ऊपर मैं बात कर रही थी। कवाली का स्टाइल आप लोगों का बहुत मुनफरिद है, बहुत डिफरेंट स्टाइल है। व्हाट आई हैव बीन यू नो लुकिंग एट द वीडियोस एंड लॉट ऑफ देयर आर क्लिपिंग्स अबाउट द न्यूज़पेपर्स, बिकॉज़ एग्जैक्टली हाउ यू इनकॉर्पोरेट इट विद बीजेएस। ये जी थिंक किया जस्ट टू कि कवाली हो रही है, हमारे अब्बा जी का जो स्टाइल था वो हम कर ही नहीं सकते थे, जावेद साहब भी नहीं कर सकते थे, हम भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरा एक कहना है जी कि जो भी शख्स गाने वाला है, कुछ भी करने वाला, वो एक ही आता है। कभी हिस्ट्री में ये नहीं बताया गया कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की औलाद वैसी होगी, उस्ताद मेहंदी हसन साहब की औलाद वैसी होगी। अच्छा, अब खून वही है, खुशबू वही आनी है, लेकिन स्टाइल बदल जानी। तो हमने सोचा, भाईजान ने सोचा कि यार ये तो मैं अब्बा जी तो हूँ नहीं, तो मैं क्या करूं जो मेरा नाम रहे और मेरे वालिद का भी नाम रहे। तो फिर हम सब ने मिलके यानी लंदन हमें शौक उठा, जब 97 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टूर पे गए तो एक बस थी, तो मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को ये भी नॉलेज मिलने चाहिए कि एक बस वो छत के बगैर वहां कहीं शाहरुख साहब जो एक्टर हैं हमारे उनका गाना चला था। तो भाई ने कहा, हम जा रहे थे जनाब फिल्म की ओपनिंग पे, तो हमने परफॉर्म करना था सेंट्रल लंदन में, लंदन यूनिवर्सिटी में हमने जाना। तो वहाँ पे अब जा रहे थे, तो रास्ते में अब ऊपर बैठे छत का मजा ले रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम जो गए तो मजा लेते लेते उन्होंने कहा इधर आओ इधर इधर आओ, हम गए तो उन्होंने एक बहुत ही हमारा वेरी इंटरनेशनल आइटम उसको कंपोज किया, नचाया तेरे इश्क ने उस छत पे। अच्छा, अब ये था कि हम भाई थे, वो सोचते थे, वो कहीं से सोच मेरी निकल आती थी, कहीं से सोच मसूद साहब की निकल आती थी, बिकॉज ब्लड। अब वो ऐसे थ्रो करते थे तो हम कैच करते थे, यानी अब जब हम जब हम यूनिवर्सिटी उतरे हैं, रिहर्सल की भी नहीं जरूरत। हाँ, वो जी नहीं नहीं कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटी उतरे हैं तो हमने वो परफॉर्म किया, इतनी होगी वाह, जो उसके असली बात है। और वो यानी ऐसे सोचते थे, ऐसे ऐसे गाना बनाते थे, वो हारमोनियम नहीं बजाते थे, उनकी ये क्वालिटी थी कि अक्सर कंपोजर्स दे आर डूइंग देयर कंपोजिशंस ऑन हारमोनियम। दे नीड इंस्ट्रूमेंट, कोई ढोलक भी होती है उनके पास, लोगों उनके पास कुछ नहीं होता था, वो अपनी कंपोजिशन करते थे, फिर उन्होंने मुझे बतानी होती थी, एंड देन यू यूज्ड टू या फिर मैं उसको हारमोनियम पे बजाया, उसको एक शक्ल दी, लेकिन करते वो ऐसे ही थे। अच्छा, आप बताएं, आप दोनों भाई में से, भाइयों में से नदीम साहब मसूद साहब में से बड़ा कौन है, तुसी दसो कवाल ते एक जगह कपड़े पाने साडे च पहले नहीं सी, भाईजान पहनते थे जी, वो भी हमारे साथ ही जी। तो अब एक नीड बन गई, आई थिंक सो, कि इफ टू ब्रदर्स दे हैव टू वेयर सेम क्लोथ्स। अच्छा, कवाली में भी एक रस्म होती है पगड़ी की जी, पगड़ी पहनाई जाती है, मैंने सुना है
शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप मुझे करेक्ट करेंगे। तो जावेद साहब के बाद किसको पगड़ी पहनाएगी? जावेद साहब के बाद पगड़ी उनके पोते हैं हसनैन, उनको पहनाई गई। ठीक है, ही इज अ वेरी गुड तबला प्लेयर। ओके, और वो गाता भी है। ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत कर रहे हैं आगे आने की, इंशाल्लाह वो आएगा। और जो वेरी इनिशियल, क्योंकि मसूद सलामत साहब ने मैंने लेट ज्वाइन किया है जावेद साहब को, मसूद साहब पहले ज्वाइन कर, मसूद साहब ने बहुत अर्ली उनको ज्वाइन कर रखा था। एंड आई वाज वर्किंग विद स्कूल्स, म्यूजिक डायरेक्शन, गजल, ये काम कर रहा था। मेरे म्यूजिशियन बैठे हैं, उन्होंने पता है कि मैं अच्छा, ये तो आपने बड़ी विक्टोरियन आपने लेगेसी फॉलो की है कि जो जावेद साहब की जो पगड़ी है वो पोते को लगी है, ये तो बड़ी विक्टोरियन हिस्ट्री है। या विक्टोरियन, इट्स अ विक्टोरियन हिस्ट्री बिकॉज़ सिब्लिंग्स आर नॉट बीन सिब्लिंग्स को नहीं जाती इन इनिशियल स्टेज 7 इयर्स बिफोर। तो हमने कहा जी उसके उनके पोते ब्लड लाइन या उनको दे दिया। अब क्योंकि हमें काम आगे लेके जाना था, नाम तो था ना बीजेएस का, बिल्कुल, तो बीजेएस को लेके फिर मसूद सलामत साहब को यानी ऑफिशियली हमने कहा कि जी आप काम करेंगे। अब जावेद साहब की जगह पे मसूद साहब बैठते हैं, माशाल्लाह मेरी वही जगह जिथे मैं बैंदा सा उठे मैं बैठ रहे हैं, कोई ऐसी गल नहीं। और क्योंकि आई एम हैप्पी कि पहले भी मेरा भाई उससे बड़ा था एंड तब भी मैं प्राउड फील करता था, अब भी मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। हर फैमिली का हीरो होता है, हीरो की वाइब मुझे किसी और में आ रही है। वो कौन? अच्छा मुझे आप लग रहे हैं हीरो। अच्छा मैं गल्ला ज्यादा करता हूँ, आई थिंक सो, तो हीरो लग रहे हैं। मसूद साहब इज सॉफ्ट पर्सन है बहुत ज्यादा, और जावेद साहब होते थे तो आप अक्सर इंटरव्यूज देखे हैं हमारे, बहुत सारे इंटरव्यूज टीवी में पे चले, तो मैं ही बोलता था। तो एक दिन फरा कहती हैं कि जावेद साहब आप भी बोल रहे हैं। फरा ने कहा इस्लामाबाद में, तो ना तो हमने सब ने ना कोट पैंट पहने हुए थे क्योंकि हम कोट पैंट पहन के कवाली करते रहे। तो ना उन्होंने कहा जावेद साहब को कि जावेद साहब आपने, इन्होंने कोट पैंट पहना हुआ है, आपने शेरवानी पहनी हुई है। तो कहते मेरे पास है ही नहीं कोट। मतलब कि वो ऐसी तबीयत थी उनकी, वेरी सादा बस। हाँ, मेरी, मेरा ये राय जी कि मैं थोड़ा सोशल भी हूँ क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने आपके चैनल पे 2 साल म्यूजिक का प्रोग्राम किया, वीकली एज ए अंकल, एज अ म्यूजिक नॉट से स्कॉलर कोई भी का किया जी। फिर मैंने पीटीवी पे जो हमारा चैनल है 4 साल वहाँ किया, फिर मैंने म्यूजिक डायरेक्शंस दी हैं ड्रामों की, जब कभी टाइटल नहीं बनते ओएसटीज नहीं होते, ओएसटीज मैंने शुरू की हैं माशाल्लाह, दिस इज आई कैन से ऑनलाइन, क्योंकि मेरे मैं नाम लूंगा तो आप सब जानते होंगे, म्यूजिशियन तो खैर बहुत जानते होंगे, राही ड्रामा था, बुलंदी, दुपट्टा, पुराने ड्रामा, रेत का शहर, आशियाना, जज्बाए दिल, दिल ही तो है, ये सारे वेरी नाइस, सदाएं हवाएं। तो तब कुछ नहीं था टाइटल, ये मुझसे शुरू हुए थी, फिर मैं बाहर चले गया, फिर किसी और ने शुरू कर दिया। कुछ 10 साल के लिए बाहर चले गए, वो बड़े काम शुरू हो गए थे जी एक्चुअली कवाली के, तो फिर नहीं बस ऐसे हो। पर म्यूजिक फ्रेटर्निटी तो एक होती है, कहते हैं कि आर्टिस्ट को आर्टिस्ट को हमेशा से सराहना चाहिए। आपस में ना हमारे यहाँ ना वो थोड़े से कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। आई वुड लाइक के आई वुड ऑलवेज से मरियम, जैसे अप्रिसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है मरियम, जैसे मरियम को हम बोल रहे हैं मरियम, मैं हैरान थी कि मरियम जब मुझे बता रही थी कि वो इतनी लैंग्वेजेस में गाती हैं, तो इट वॉज़ वेरी डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि लैंग्वेज पे भी अबूर बहुत कम लोगों को होता है। असल में इसकी वजह कुछ ऐसे है कि आप जिस भी सिटी में जाते हैं, हाँ, आपको पता होना चाहिए कि वो लोगों को आपकी समझ आ रही है कि नहीं। अगर मैं अपनी पंजाबी एक्सेंट से गाऊंगी उनको शायद समझ ना आए, तो मैं खड़े खड़े स्टेज पे मुझे पता होता है इनको अब क्या चाहिए। वो आर्टिस्ट को सब आना चाहिए, मेरे ख्याल से हर लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप बोल नहीं सकते, आपको मतलब उसको इतना पता होना चाहिए कि ऑडियंस आपकी जो इनकी लैंग्वेज है इस पर कुछ ना कुछ चाहे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आना चाहिए आप। But very nice. पब्लिक इन्वॉल्वमेंट तो आप सीखती हैं सारी लैंग्वेजेस की, आपको आती हैं? बस कुछ सीख ली कुछ आ गई। अच्छा तो ये भी अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस शहर में जा रही हैं, किस जगह जा रही हैं, उनका डायलेक्ट क्या है, हर जुबान में गा लैंग्वेज क्या है,
That's very important in life. And this is how, and that's how you can relate to the people. You can address to the people. पूरी दुनिया में जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं. जी, बिल्कुल गाए हैं. दादा जी ने बहुत गाए हैं, मैडम ने गाए हैं, सब लोगों ने गाए हैं गाने. अली जफर साहब भी बहुत गा रहे हैं. गा रहे हैं माशाल्लाह. अली जफर तो आर्टी ने अली जफर ने तो छोड़ने नहीं है कोई लैंग्वेज. ये होना चाहिए. वैसे भी आपको पता है कि लोग जो है ज्यादातर कवर सॉन्ग ही करते हैं. पाकिस्तान की इतनी जुबानें हैं, अगर हम हर सूबे की जुबान गाएंगे तो अपनी हम लोग ये जो सकाफत है हमारी प्रमोट होगी, पहचान करा रही है. अब जितने भी आर्टिस्ट हैं ज्यादातर सराइकी भी बहुत गाते हैं. सराइकी भी अब हमारी सराइकी तो हिट भी बहुत है. छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग हमारे साथ रहिएगा. इसके बाद हम आपको मजीद बताएंगे कि इनसाइड स्टोरीज क्या है म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. गुड मॉर्निंग तनक. क्या बात है जी, खूबसूरत और अंदाज, खूबसूरत अंदाज और आपका जो स्टाइल है. अच्छा, मुझे कहते हैं ना कि स्टाइल जो है वो अगर मुनफरिद हो ना, डिफरेंट हो,
तो उसकी एक एक पर्सनालिटी और एक म्यूजिक या एक कुछ किसी भी चीज का ना ऑरा ही डिफरेंट चेंज हो जाता है. इट्स अमेजिंग. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. मरियम, आप कुछ बताएं, किस चीज़ों पे आजकल काम कर रही हैं, क्या प्लान्स हैं, आगे क्या सोचा है, कोई है टूर्स वगैरह आगे के लिए? जी, मैं ये 15 तारीख को जा रही हूँ ऑलैंड, उसके बाद वर्ल्ड टूर पे जा रही हूँ. वर्ल्ड टूर कीजिएगा परफॉर्मेंसेस. और कुछ हमारे सॉन्ग आ गए हैं मेरे, और कुछ 8 से 10 सॉन्ग हैं जो मेरे. आप जाती हैं वर्ल्ड टूर्स के ऊपर, तो आप किस लैंग्वेज में गाती हैं वहाँ? ज़ाहिर है उधर तो अपने पाकिस्तान की जो ज़्यादा पंजाबी भंगड़ा सरायकी, जैसे कि दैट्स लाइक जैसे पब्लिक लाइक करती है. जो भी अब ये तो नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से सुनाऊंगी, शायद उनकी डिमांड कुछ और हो. मुझे मेरे लिए तो मेरे व्यूवर्स हैं ना, उनकी डिमांड जो भी हो उसमें गाना पड़ता है. मेरे अपने तो 50,000 ट्रैक पड़े होंगे. अच्छा, वेरी नाइस. पता नहीं कितने गाने गाए होंगे, कितने नहीं. मकसद ये कि आप जब बाहर जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है आप कुछ अच्छा से अच्छा और कुछ सुर में क्रिस्प. ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के गा दें. सुर में हो, चाहे आप रॉप गाए, पॉप गाए, सराकी गाए, पश्तो गाए, लेकिन सुर लय में थोड़ी तमीज होनी चाहिए कि आपने पब्लिक को क्या प्रेजेंट कर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. मरियम, नजीम साहब जी प्लीज, किस मुल्क में सबसे ज्यादा जा के आपको लगा कि आपको दाद मिली, पसीराई मिली? मसूद साहब से आपने बात नहीं की, इतना पॉपुलर हो जाए. मसूद साहब मुझे लग, मसूद साहब मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कम बोलते हैं. मसूद साहब मुझे बताएं, चलिए अब मैं स्टार्ट करूं मसूद साहब से. नहीं, ये नहीं, मसूद साहब आप बताएंगे, आज आप स्टार्ट करेंगे. सबसे ज्यादा जापान में मजा आया. अच्छा, किधर? जापान में किस शहर में? एक शो पे गए थे, वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन ही था जैसे. ठीक है. और भी मुल्क आए थे काफ़ी, तो वहाँ हमें एक बार रिपीट भी किया गया. 15 मिनट की परफॉर्मेंस थी, तो उनकी ज़बान में. आई वॉन्ट टू कम ऑन मी बिकॉज द प्रॉपर डिटेल ऑफ दैट शो आई वॉन्ट टू अनाउंस दैट. आई वुड लाइक टू नरेट इट. क्योंकि जो सिंपल बंदे होते हैं उनको गाने का पता होता है. ये आर्टिस्ट हैं के भी गाने का पता, उन्होंने नहीं पता कितने गए, की गाया की. सोशल फोरम है. मतलब अब मैं आपको डिटेल दूंगा. दैट वाज ओसाका फेस्टिवल. ओसाका फेस्टिवल, ओके, बहुत मशहूर फेस्टिवल. हां, वन ऑफ द फेमस. और उसकी ये बात थी कि 70 कंट्रीज वाज देयर. हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था. अक्सी मुफ्ती साहब हमें लेके गए थे. Who is, मतलब आपको पता, लोकवीर से के चेयरमैन, वो लेके गए थे हमें. वेरी क्रिएटिव पर्सन. वहाँ पे ये था जी कि उन्होंने हमें कहा, हमारा एक आइटम था, जावेद साहब की कॉम्पोजिशन थी. मैं वो कह के सुनाता हूँ आपको. माइक चल रहे होंगे शायद. मार सजन मेरी जिंदगी, तेरा प्यार सजन वे तू आजा, आजा, आजा डोलियां वे तू आजा, आजा, आजा डोलियां जे लुक लुक के. अच्छा, ये उनके लिए ये रिदम एक बहुत अच्छा रिदम एक आइटम था, तो लुक 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 ये अल्फाज आ रहे थे. सो दे वर सो हैप्पी, ऑडियंस बहुत हैप्पी. तो उन्होंने फिर कहा जी कि वो डिमांड कर रहे हैं कि आप वापस आएं. तो हमारी जो गाइडर थी वो वाज स्पीक इंग्लिश, उसने कहा कि आपने रिपीट करना है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि मैं आपको ये मुझे इंग्लिश में वर्डिंग बताएं इसकी, मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ. सो दे वॉज कह लें 35 मिनट का हमारा ब्रेक था. तो उसने काकू सी रे माई दो सूदा साई ऐसे करके उसने लिख के दिया हमें. तो हमें उन्होंने कहा कि ओसाका फेस्टिवल की पहली हिस्ट्री है कि किसी बंदे को रिपीट किया है. अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग. और 14 अगस्त में वहां पे आई थी और हमने वो भी सेलिब्रेट की थी. वेरी नाइस. और पूरे फेस्टिवल जापान में जाना एंड पाकिस्तान का एक इमेज लेके जाना. खान साहब के बाद हम गए थे जो उस्ताद वही कहने लगी थी. खान साहब के बाद आप लोगों का आपको शर्फ हासिल है, बट इट्स अमेजिंग. और दूसरा हमें मजा आया जी कैनरी आइलैंड नॉर्वे, वो मैं अभी सुनूंगी. मैंने जाना है छोटी सी ब्रेक. आप ब्रेक पे जरूर व्यूअर्स हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हम बहुत मजेदार आज बातें कर रहे हैं. और आते हैं ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग धनक. Oh,
आपको मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ, और आज जो पाकिस्तान के रीनाउंड सिंगर्स हैं वो हमारे साथ हमारे एक लाउंज में हैं, और ऐसा लग रहा है कि हर तरह का जॉनरा जो है वो हमारे साथ है, और अपने काम के माहिर काम में बहुत बड़ा नाम। ख्वाजा साहब, जो आपके गाने हैं और आप जो भी परफॉर्म कर रहे थे, और बिल्कुल लग रहा था जैसे अभी आपका मूवी के अंदर एक पूरा एक सीन आ रहा है ख्वाजा साहब परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही है, मैंने अपने गानों को ऐसे ही मेरे जितने डिज़ाइन किया, हाँ डिज़ाइन किया है मेरे, मैंने जब वीडियोस बनाई उसके अंदर पप्पू सम्राट साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर, उन्होंने उनको कोरियोग्राफ किया, और जब मेरे ये वाले गाने आए, छल्ला आया, ये नचदी स्लिप आया, झट गाना आया, तो एक चेंज आया। चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है, आप अपनी तरफ से तो लाएं, बाकी ऑडियंस अपना बेहतर फैसला करेगी। लेकर आपका जो अटायर है वो तो सबसे बड़ा चेंज है, क्योंकि यू नो आँखों को अच्छा लग रहा है, एक डिफरेंट है, और एक जब तक आप एक फैशन इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे वो कैसे फिर लोगों आप तक कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट आए हैं वो अपना जॉनर लेके आए हैं और अपना स्टाइल लेके आए हैं, जैसे भी नदीम भाई बात नहीं, यंग सोच लेके चलना मुझे इनका अच्छा लग रहा है। यंग सोच बात क्या ला, मैं कमेंट कर रहा हूँ आपको, वेरी नाइस, बिकॉज आप अपने आप को उस जनरेशन में लेके आ रहे हैं और उस जनरेशन में आप घूम फिर रहे हैं, और ये बहुत बहुत ही अच्छी सोच लेके, और जो और भी मैंने एक और बात की, इन्होंने जो पकड़ा है ना जी, जो जॉनरा ये पकड़ के घूम फिर रहे हैं वो बहुत टची है। आई कैन से दैट परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रहे थे सर, वेरी नाइस, जब ये कर रहे थे बड़ा मजा आ रहा है, और हिलने का भी मजा आ रहा है। बड़ी जरूरी होती है। अच्छा, मरियम को मैंने जब देखा परफॉर्म करते हुए, तो मरियम अपने अपने गाने को एंजॉय कर रही थी, जी शी वाज मूविंग एंड ग्रूविंग अराउंड हर ओन, यू नो अपने डायलॉग्स के दरमियान में, आई वाज लाइक, वो नहीं कहता कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, आई जस्ट नो माय वर्क, दैट्स इट। ऐसे ही है जब आप, अच्छा वो म्यूजिक मेरी कमजोरी है, जब मैं अपना भी कोई सॉन्ग अगर गाती हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको अच्छे से परफॉर्म करूँ, ताकि लोगों को समझ आए लफ्ज़ों की अदायगी क्या है, चाहे नज़ाकत क्या है। ये तो फिर होनी चाहिए, वो आपको देख के लग रहा है जिस तरह आप बात कर रही हैं और आपका प्रोनाउंसिएशन जिस तरह की है। अच्छा, अभी आप हमें क्या सुनाएंगी कुछ? अभी मेरा न्यू सॉन्ग जो ईद पे ये मैं रिलीज़ करूँगी, लेकिन मेरा दिल था आज सारे सुरीले सुरीले अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, और खान साहब ने ऐसी उंगलियाँ क्या बात है हारमोनियम पे चेढ़ी, तो मैं ही नहीं कह रही थी, मैंने कहा देखो सुबह सुबह मेरे कानों में सुर ले आएगी, बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी सुबह रंगीन होगी सुन के, आपको देख के वैसे ही रंगीले हो गए। अच्छा, इनकी तरफ देख के लगते हैं वो बसंती मेला ये सरकार कुछ मूड बना हुआ है, अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। मैं अपना ही कर रही हूं, आप सुनाओ, वेट कर रहे हैं। पिछली रात मेरी अख पढ़ के हो नाले जी अदड़ के, आजा जालिम ना जा लड़के, ना जा लड़के, पिछली रात मेरी अख पढ़ के हो नाले जी अदड़ के, आजा जालिम ना जा लड़के, ना जा लड़के, पिछली रात मेरी अख पढ़ के हो नाले जी अदड़ के,
वेलकम बैक व्यूअर्स. तो मेरे साथ जितने भी मेरे गेस्ट्स हैं वो खाने से महजूज हो रहे हैं, और खाना जो बनाया है चिकन चाउमीन वो इफ्रा ने बनाया है. एंड इफ्रा, यू हैव डन ए ग्रेट ग्रेट वर्क, बिकॉज सबका फीडबैक कैसा है, कैसा बताया? जी बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत आला जी, बहुत आला. नदीम भाई देंगे सबका, बताएंगे, बहुत मजा आ रहा खाने में. सुबह सुबह इसका मजा आ जाना, ये बहुत बड़ी बात. वेरी गुड, बहुत ही आला जी, बिकॉज आपने ऐसा चेंज दिया है कि सुबह सुबह ये प्रोवाइड कर दिया गया. क्या बात, आप लोग सुबह सुबह आदि है ना पराठों के. yes, तो ऑमलेट्स के, तो हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट. या या, ये ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लग रहा है जी, वेरी नाइस. तो थैंक यू सो मच इफ्रा फॉर ऑलवेज बीइंग पार्ट ऑफ अस एंड मेकिंग अस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एंड माउथ डिलीशियस फूड. एग्जैक्टली, इट इज, इट इज. एंड थैंक यू मरियम जी, थैंक, मजा आया आपके साथ बात करके. आपका भी बहुत अच्छा लगा, और जो आप इतने प्यार से हमें ये खिला रही हैं इसका ज्यादा आपने डाला बहुत अच्छा जी. थैंक यू मसूद साहब, नदीम साहब, ऑनर फॉर अस. थैंक यू. और अब ये कहते हैं ना कि भी थोड़ा सा रह गया मजा, वो हम किसी और शो में इंशाल्लाह प्रॉपर इंशाल्लाह. इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग यू. थैंक यू. एंड इट वाज लाइक पूरा इंटरनेशनली आपने हमें बताया कि म्यूजिक और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है. दैट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल जी. बट आपको अभी मैं खुदाफिज नहीं कह रही ख्वाजा साहब, अभी आप खा लें, क्योंकि आपने हमें भी गाना सुनाना है. सुनाते हैं आपको जट का गाना, सुनाते हैं जट का गाना. जट लेकिन एक खा लें, एक एक नंबर ले 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 नंबर ले ले. आपने जट का गाना सुनाना है, तो ये ना हो कि फिर इसको हजम करना. वो गाने में हो जाएगा इंशाल्लाह भी गाने परफॉर्मेंस में. थैंक यू सो मच. हम अगले हफ्ते एक नई थीम के साथ, नए लोगों के साथ, नए रिश्ते के साथ, नए एहसास के साथ, नए एक एनवायरनमेंट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे. और हमेशा देखते रहिए धड़क सुबह के सारे रंग, हमारे संग ए प्लस के संग. खुदा हाफिज. मन गांदे नाल जंट टुरदा सी, उठे आन गया हुण कल दा. हो मन गांदे नाल जंट टुरदा सी, उठे आन गया हुण कल दा. तेरी अख कोलों बच के तो लंघ गया सी, तेरी अख कोलों बच के तो लंघ गया सी. मार गया जोया तेरी गल दा, तेरी अख कोलों बच के तो लंघ गया सी. मार गया जोया तेरी गल दा. तेरी बांह फड़के हो रोग लगे आए केड़ा संड दिल नू, हो रोग लगे आए केड़ा संड दिल नू. ऐसे गल दा ते पता नहीं हो चल जा, तेरी अख कोल बच के ते लंग गया सी. मार गया जोया तेरी गल दा, ओ मन गांदे नाल जट टुरदा सी, उठे आन गया हुण कल दा. अखबारा बिलों खबरा लुआया तेरे सूट तंग ने, हो रख मुखड़े नू टक के नी सोनिए, रख मुखड़े नू टक के नी सोनिए. शहर इश्क तेरे च पिया बलदा, तेरी अख कोल बच के ते लंघ गया सी. मार गया जोया तेरी गल दा, ओ मन गांद नाल जट टुरदा सी, उठे आन गया हुण कल दा. पटी
तेरा हाथ कुटिया हुण खाजा सारे काम कर छड़ के हुण खाजा सारे काम